आने वाला है सर, कितने एक्साइटेड हो? हम तो बहुत हैं। अरे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, बहुत एक्साइटेड है। अभी इसमें ऐसा है कि दो बाजू है कि एक बाजू है वो देखते। तो इतने एक्साइटेड है कि डेली हम ऐसे ही चलते रहते हैं, ऐसे ही चलते हैं अपन। झुकेगा नहीं साला। मैं झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या? फायर है मैं। ये रश्मि का अच्छी लगी, दिल पे छा गई मेरे। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं फायर है मैं, झुकूंगा नहीं साला। ये डायलॉग सुन के आपको किस फिल्म की याद आ गई है? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बज़ूका। जब मैं बात कर रही हूँ पुष्पा की, जल्दी सिनेमा घरों में पुष्पा 2 आने वाली है और लोगों का एक्साइटमेंट हम जानने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं का रिएक्शन लेने, जनता का रिएक्शन लेने, और ख़ास करके जो पुष्पा के फैंस हैं उनसे जानेंगे कि आखिर वो पुष्पा 2 इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। पुष्पा 2 जल्दी रिलीज होने वाला है, कितने एक्साइटेड हो आप? पुष्पा देखा था, अब 2 भी जल्द आने वाला है। अरे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, और क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट देखा था, बहुत ही मेरे को अमेजिंग लगा, बहुत ही थ्रिलिंग था, अच्छा मूवी था। मैं 2 देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, कब आने वाला है ये मूवी। पुष्पा 2 में किसको देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सब कमाल के कमाल एक्टर हैं? हाँ एक्चुअली मैं अल्लू अर्जुन को मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और साथ ही साथ जो उनका जो रश्मिका मंडावा है उनको भी देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत अमेजिंग उन लोग ने डांस परफॉर्म किया था और सुपर हिट उनके गाने थे, बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत ही बहुत अच्छे गाने, अभी भी मैं बहुत देखता हूँ उनके गाने। और ये स्टोरी लाइन क्या एक्सपेक्टेशन है पुष्पा 2 में? कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ वैसा होना चाहिए? एक होता है ना फैंस के अंदर कि भाई ये होना ही चाहिए। स्टोरी लाइन मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जो मतलब कि सब लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, किसी को भी मतलब कि बोल सके हाँ मैंने जैसे कि फर्स्ट पार्ट में ऐसा ये किया था, वैसे ही कुछ सेकंड पार्ट में कुछ अमेजिंग कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए देखने के लिए, अच्छा टोई टेल। बोलो ना ये किया था जो झुकेगा नहीं साला। कुछ भी हो जाए झुकोगे नहीं और फिल्म देखने जाओगे? हाँ जरूर जरूर जाओगे देखने के लिए। हाँ रश्मिका कैसी? बहुत अच्छी बहुत अच्छी। समांथा का गाना आया था वो कैसा लगा था? वो बहुत अच्छा लगा था देखने में, बहुत अच्छा लगा था देखने में। कि पुष्पा 2 में भी कुछ ऐसे गाने आए इंटरेस्टिंग जो मतलब छा जाए? हाँ हाँ मैं बहुत चाहता हूँ कि आना चाहिए वो गाने, बहुत अच्छे। हाँ मतलब अगस्त में देखने जा रहे हो पुष्पा 2? यस जा रहा हूँ देखने के लिए। ओके अगस्त में जा रहा हूँ पुष्पा 2 देखने के लिए। पुष्पा 2 आने वाली है सर, कितने एक्साइटेड हैं? मैम पुष्पा 2 तो बहुत ही ज़्यादा वैसे ही सुपर हिट जानी है, क्योंकि उसका तो पहला पार्ट ही क्या ही गया था, मतलब इतना माइंड ब्लोइंग था। मेरे को याद है जब वो आई थी तो वैसे मेरा नॉर्मली मन था नहीं देखने का, पर जैसे रिव्यू वगैरह देखे तो फिर तो ऐसा था हाउसफुल चल रही थी तो बड़ी मुश्किल से सो मिला था, और रात के 12 बजे का सो था जो देख के आए थे। तो हाँ वो तो काफ़ी। पुष्पा 2 भी तो आने वाली है ना वैसे तो, और रश्मिका और अल्लू अर्जुन की जोड़ी कैसी थी पुष्पा 1 में? रश्मिका उसके बाद से मैं उनको फॉलो करने लग गया था। और क्यों को बड़ा फॉलो कर रहे हो? अब लड़ी नहीं, अल्लू अर्जुन भी अच्छे लग रहे थे, वो लड़कियों को ज्यादा अच्छे लगेंगे ना। लड़की है तो अच्छी लगेगी। कितनी फेवरेट है रश्मिका? नहीं अब तो उसके बाद काफी आई ली है उनकी फिल्म्स, तो वे भी देखी है, बट वो तो काफी अच्छे। गाने बहुत वायरल हुए थे, समांथा प्रभु के गाने काफी वायरल हुए थे, आपको कैसे लगे थे डांस गाने उस पिक्चर में? अभी क्या था ना वो जैसे हिंदी में उसका वो हुआ था, गाने अच्छे थे बट जो डांस था ना उनका उसमें अलग ही एनर्जी रहती है। नॉर्मली हम कोई भी अगर मूवी देखेंगे तो एक अलग ही एनर्जी दिखेगी उसमें। तो पुष्पा 2 में क्या उम्मीद है जब वो रिलीज होगी, तो चाहिए कि ऐसे ऐसे गाने हों कुछ? पुष्पा की तो एंडिंग ही इतनी खतरनाक की थी उसमें, तो लास्ट में शायद उनकी डेथ KGF में हुई थी, KGF में शायद, वो थोड़ा वो हो रहा है मिक्स कन्फ्यूजन है। पुष्पा 2 में क्या एक्सपेक्टेशंस है, कैसी स्टोरी लाइन होनी चाहिए? स्टोरी लाइन अब तो अब जैसे खान माफिया की वो चल रही थी तो वही आगे बढ़ेगा, उसमें शायद और थोड़ा बैकग्राउंड से ज़्यादा टच आएगा और फैमिलीज का कॉम्प्लेक्स जो भी बनेगी सिचुएशन, तो एक स्टोरी लाइन अब भी है ही अच्छी, और एक्टिंग तो कास्ट है ही जबरदस्त उसका। अच्छा रश्मिका को कौन रिप्लेस कर सकता था, अगर इस फिल्म में रश्मिका नहीं होती तो कौन रिप्लेस कर सकता था? रश्मिका को रिप्लेस कर आलिया भट्ट से करवा लो। आलिया भट्टी? आलिया भट्टी क्या क्या है आलिया भट्ट में ऐसा? नहीं है वो अभी नहीं बोलो बोलो हाँ समर्था शर्मा
नहीं, आलिया भट्ट जैसे क्या है कि उनका एक क्यूट सा फेज है जो एक अलग ही थोड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट बनता है। अच्छा डायलॉग को याद है पुष्पा का, जो आप चाहते हो भाई पुष्पा 2 में भी यही रहे? देखो वो तो उनका पर बोलो उनका नहीं, बोल के दिखाओ। चलो बोल के दिखाओ। मैं झुकेगा नहीं साला। मैं झुकेगा नहीं साला करके दाना को देखने जा रहे हो पुष्पा 2? हाँ जी श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, पुष्पा 2 तो बिल्कुल देखने जाएंगे हम। पुष्पा 2 आने वाला है सर, कितने एक्साइटेड हो? हम तो बहुत हैं। हमारे लास्ट टाइम भी हम थिएटर में देखने गए थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स सारे, तब फुल एंटरटेनमेंट मूवी थी वो। तो क्या सबसे अच्छा लगा था पुष्पा 1 में और आप चाहते हो कि भाई पुष्पा 2 में भी कुछ ऐसा आए? डायलॉग बहुत अच्छे थे उनके और एक्टिंग तो थी बहुत लाजवाब। कौन से का डायलॉग बहुत अच्छा था और चाहते हो भाई पुष्पा 2 में भी ये डायलॉग होना ही चाहिए? वो तो यूनिवर्सल सबको पता है कि झुकेगा नहीं साला। मतलब झुकोगे नहीं और देखने जाओगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा रश्मिका कैसी लगी थी अल्लू अर्जुन के साथ? ओके मतलब ठीक है, अच्छा है। मेरे को ज़्यादा पर्सनली उनकी जोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट हाँ वैसे अच्छी थी। अच्छा, आपको जब अच्छी नहीं लगी तो आप क्या चाहते हो कि कौन सी हीरोइन रिप्लेस कर सकती थी उन्हें? साउथ की का मेरे को आइडिया नहीं है, बट अगर उसमें कियारा होती तो मैं कह सकता हूँ। हाँ जी कियारा अडवाणी। हाँ पुष्पा 2 में भी तो रश्मिका ही है। पुष्पा 2 में तो चलो वो तो एक अलग है, अलग बात है, उनका अलग स्टोरी है। उनकी जो मेन स्टोरी है जो अल्लू अर्जुन पे जो एक्टिंग है वो सब उस पर डिपेंड करती है सारी मूवी। उनकी जो स्टोरी आगे जो आगे कंटिन्यू होगी क्या रहेगा उसमें, शेखावत थे ना वो जो पुलिसमैन थे वो, हाँ तो उनसे आगे उनके क्या रहेगा उस पर डिपेंड करेगा सब। अच्छा अल्लू अर्जुन को कौन रिप्लेस कर सकता था? नहीं उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, रिप्लेस ही नहीं हो सकता। नो 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 उनको नहीं कर सकता कोई रिप्लेस, वो तो अपना बेस्ट है बिल्कुल। गाने वगैरह कैसे लगे थे आपको? गाने एक नंबर, बहुत बढ़िया। हाँ कौन सा आपका फेवरेट? वही ऊ अंटवा। अच्छा एक लाइन गा के दिखा दो बस। नहीं 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 ये सिंगिंग नहीं होगी हमसे। नहीं 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 ऐसे नहीं, थैंक यू बस थैंक यू। अच्छा पुष्पा वाला तो कर दो, ये करने में क्या जा रहा है, ये तो कर सकते हैं आप। झुकेगा नहीं साला देखने जा रहे हो? बिल्कुल हाँ जी। नहीं बस यही बोल लो कि देखने जाएंगे। हाँ देखने तो बिल्कुल जाएंगे, वैसे हम तो कहेंगे कि अभी कभी हमें मिलने का मौका मिल जाए उनसे तो बहुत और भी अच्छी बात है। मिलने का मौका मिले तो मिल के क्या कहोगे? मिल गया वो तो मिल के बताएंगे उन्हें, आपको नहीं बताएंगे। पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है, कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो। आपको मेरे को क्या मतलब उसका एक डायलॉग बहुत पसंद है मैम, वही वाला पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या फायर है मैं, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। वो आएगी ना उसका दूसरा पार्ट तो मैं तुरंत देखने के लिए जाऊँगा। क्यों एक्साइटेड हो, किस लिए, क्या वजह है ऐसी? वजह है मैं आपको बताया था ना उसका जो डायलॉग के लिए और एक उसका ये वाला स्टाइल। वाह एक नंबर। अच्छा बताओ कौन आपको कौन अच्छा लगा पुष्पा 2 में, पुष्पा 1 में, समांथा या फिर रश्मिका? रश्मिका अच्छी लगी मेरे को। क्यों? अरे अच्छी है बस, दिल पे छा गई मेरे। दिल पे छा गई। देख उसको ही तो देखने के लिए गया था मैं, ज्यादातर मजा आ गया उसको। फैन हो तो क्या एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती है ना कि भाई पुष्पा 2 में कुछ ऐसी स्टोरी होनी चाहिए, ऐसे गाने होने चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? अभी तो देखो मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, जब देखने जाऊंगा ना मैं तो थोड़ा बहुत पार्ट वगैरह देखूंगा ना उसके, तो जब देख के है ना फिर मैं देखूंगा और बताऊंगा आपको जब कभी अब मिलेंगे तो। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में, बस एक्साइटेड। हाँ एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा। गाने क्या अच्छे लगे थे पुष्पा 1 में और चाहते हो पुष्पा 2 में भी हो? अच्छा गाने उसके तो मैं वही बताता चल रहा था, ऊ अंटा वा 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 ऊ अंटा वा 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 डे 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 डे, अरे ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा लगा। अच्छा एक एक गाना हो जाए। हाँ बताओ कौन सा? यही जो करके दिखा। अरे यार ये गाना मेरे को तो इतना आता है बस यही वाला, दोबारा करके दिखाओ क्या? जो जो मन करे वो करो। ऊ अंटा वा 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 ऊ अंटा वा 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 डे 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 डे। मुझे लगता ना ये अगर अल्लू अर्जुन ने देख लिया ना आपके फैन हो जाएंगे। अरे भाई मैं चाहता हूँ वो मेरे को है ना बुलाए नहीं, पर मेरा ऐसा मौका लगे कि कभी मैं उनके पास जाऊँ, मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ अगर मैं उधर पहुँच जाऊँ तो। मेरा ड्रीम है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ एक बार। और रश्मिका मंदाना देख ली तो? वो तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मैं समुंदर में से है ना ऐसे डुबकी मारूंगा फिर। हाँ दोबारा आऊँगा मैं मुंबई गाइस। मैं वैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ, अगर मेरे को है ना मौका मिला कभी तो मैं जरूर लाऊंगा यहाँ पे दोबारा। ओके जा रहे हैं अगस्त में पुष्पा 2 कौन देख पुष्पा 2 के लिए देखने जा रहे हैं आप? हाँ हाँ जा तो रहा हूँ।
पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है मैम, अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना की समानता भी थी उसमें, तो कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटेड है। अभी उसमें ये सा है कि दो बाजू है कि एक बाजू है वो देखते, बहुत ही अच्छा और बहुत ही एंजॉयबल थी पुष्पा मूवी, बहुत ही अच्छी, सबको पकड़ के रखा था। और डांस, हीरो हीरोइन बहुत ही बढ़िया था। और हम लोग वेट कर रहे हैं कभी आए पुष्पा 2 अगस्त में, वी आर वेटिंग। ओके मैम, रश्मिका आपको कैसी लगी थी? रश्मिका अल्लू की केमिस्ट्री कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छे, हीरो ज़्यादा अच्छा लगा हीरोइन से। हीरोइन क्यों नहीं? मैं लेडी से तो मेरे को हीरो ही अच्छा लगा। अल्लू अर्जुन। अच्छा मैम, अल्लू अर्जुन में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा था? और आप चाहते हो पुष्पा 2 में भी वही देखने के लिए कुछ ऐसा तड़का मिले? हाँ, ऐसा ही कुछ तड़का, कुछ स्टाइल अलग स्टाइल करें, और वो ऐसा स्टाइल से चलता था, ये कुछ स्टाइल अलग हो जाए तो, सबसे अलग हो तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। अच्छा, आपको दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी थी? बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, दोनों जज भी रहे थे कपल में। गाने की मैं बात करूँ तो गाना कौन सा अच्छा लगा था? और आप चाहते हो कि भाई पुष्पा 2 में भी वही गाने हो कुछ और अच्छे तरीके? डांस वांस बहुत अच्छे थे गाने में, डांस बहुत अच्छे, ऐसे मद्रासी साउथ इंडियन पिक्चर डांस अच्छे ही रहते हैं, तो डांस अच्छे होने चाहिए, गाने अच्छे होने चाहिए। और पुष्पा 1 ने तो सबको पकड़ के तो हिस्ट्री बना दिया ना उसने, कितना कितना बनाया। 2nd भी ऐसे ही होगी, ऐसे ही। अगर 2nd में, अब बन तो गई है फिल्म, अगर रश्मिका नहीं होती 1st और 2nd में तो कौन अच्छा होता, उनके रिप्लेस कौन कर सकता था? हीरो तो वो चाहिए, कौन था वो तो चाहिए, वो दूसरी हीरोइन दूसरी होगी तो चलेगी। कौन सी आपके हिसाब से बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन होनी चाहिए थी? तो मद्रास के लेते हैं ना ये लोग, इधर के लेते हैं ये लोग, साउथ इंडियन है ना, तो बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन? 3 0 7 में कौन हीरोइन, फेयर एंड लवली की कौन हीरोइन है? यामी गौतम, वो उसको लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यामी गौतम या आपको अच्छी लगती है? ओके, तो मैम आप देखने जा रही हैं? या अभी देखा 2 दिन पहले, अच्छी लगी। हाँ, तो मूवी देखने जा रही हैं आप भी? नहीं, अगस्त में ही पुष्पा 2 देखने जा रही हैं। श्योर, फर्स्ट डे फर्स्ट मूवी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। वेल, लोगों में तो पुष्पा 2 के लिए काफ़ी क्रेज है, लगता है पुष्पा 1 की तरह ही पुष्पा 2 भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। आप देखने जा रहे हो या नहीं पुष्पा 2, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और रिएक्शन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बज़ूका।